जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। आज हम आपको बहुत ही विशेष मसले पर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो समय चल रहा है नवरात्रि, इस समय के अनुसार बहुत सी महिलाएं और माता बहनें पद यात्रा करती हैं। पूरा परिवार का परिवार पद यात्रा करता है, कन्याएं भी करती है, शादीशुदा महिलाएं भी करती है, जिनके बच्चे नहीं हुए वो भी करती है, जिनके बच्चे हो गए वो भी करती है, जो कन्या है वो भी करती है, और जो मैच्योर्ड हो गई वो भी करती है। यानी कि किसी भी बड़े देवी के तीर्थ पहाड़ों पर जाते हैं, पैदल चलते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक देखा है मैंने पैदल चलते हैं। कुछ चप्पल की पहन के चलते हैं, कुछ नंगे पैर चलती हैं। आज मुझे इस मसले पर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मेरे पास एक केस आया है प्रत्यक्ष, उसमें वह स्त्री अपने घर से देवी माँ के तीर्थ स्थान के लिए पैदल निकली और उसे कहीं से कहीं तक अंदेशा नहीं था कि वह मासिक धर्म से हो जाएगी या रजस्वला से हो जाएगी या अशुद्ध हो जाएगी या एमसी पीरियड से हो जाएगी। सब शब्द एक ही है, मासिक धर्म बोल लो, रजस्वला बोल लो, अशुद्ध बोल लो या एमसी पीरियड बोल लो। तो उस स्त्री के द्वारा जब घर से माँ भगवती जगत जननी की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उसने प्रयास किया और आधे रास्ते जाकर के उसको ऐसा आभास हुआ कि शायद वह अशुद्ध हो गई है, उसके बावजूद उसने उसी अशुद्ध अवस्था में ही माँ के पूरी पहाड़ी चढ़ी, मंदिर तक गई, अंदर भी घुसी, दर्शन भी किया और वहाँ से जब निकल करके आई तब उसके ऊपर बहुत सारे प्रेतों का साया आ गया और घर पहुँचने के पहले पहले ही उसके परिवार वालों को यह आभास हो गया कि यह पागल हो गई है। तो फिर मुझे बुलाया गया और जब उन प्रेतों से बात की गई तो उन्होंने एक ही चीज कही। क्या बात कही? कि यह स्त्री
जब इसको मालूम था कि मैं अशुद्ध हो गई सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, तो ये मंदिर में क्यों आई, क्यों पहाड़ी पर पूरी चढ़ी, क्यों वापिस नहीं लौट गई, उसकी सजा माँ ने हमें भेज करके दी है। यानी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि यदि वह घर से किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है और यदि रास्ते में अशुद्ध हो जाती है, तो और अन्य तीर्थ यात्री जो माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनसे छुआछूत नहीं करना चाहिए। यानी कि उसे एक तरफ होकर के तुरंत वापस अपने घर चले जाना चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं करती है और अपने सिर पर पापों का बोझ, पापों की गठरी लेकर के वह आ जाती है। तो अब उन प्रेतों से मैंने बोला कि इसका माफीनामा बताइए, गलती तो हो गई इससे। तो बोले इसका माफीनामा यह है कि अब इसके एक तो घर के अंदर बहुत क्लेश, दुख, अशांति होगी, यही इसको श्राप मिला है। इसके अब ठीक होने में समय लगेगा, हम क्यों निकले, हमें माँ का आदेश है। परिवार वाले भी साथ में थे, उनको बताया गया कि देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं जब बार बार कहता हूँ, पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूँ कि मासिक धर्म की अवस्था में पूजा पाठ नहीं करते हैं, अशुद्ध अवस्था में तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि जब हम अशुद्ध अवस्था में होने वाले हैं तो तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, एक तो खुद पापी बन रहे हो, जो साथ में चल रहे हैं उनको भी अशुद्ध करके आप और पाप अपने ऊपर चढ़ा लेते हो। तो उस स्त्री के द्वारा अशुद्ध अवस्था में बहुत सारे और अन्य तीर्थयात्री भी जो दर्शन के लिए जा रहे थे उनके साथ में सट करके लाइन में लग करके उनसे टच होकर के उनको भी अशुद्ध किया और खुद भी अशुद्ध होकर के अपने ऊपर पाप चढ़ा लिया। तो महिलाओं के ऊपर स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जब इस प्रकार की ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो जाता है तो किसी दूसरे को दोष मत दीजिए, पहले अपने आप में झांक करके देखोगे हमने क्या गलती कर दी। एक स्त्री को मालूम होता है कि जब वह अशुद्ध अवस्था में हो जाती, मासिक धर्म से हो जाती, रजस्वला हो जाती है तो वह अशुद्ध होती है, यह हर स्त्री, हर लड़की को मालूम होता है। तो ये मालूम होते हुए उसको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, यज्ञ कुंड के पास नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर हवन हो रहा हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, मंदिर की दहलीज को नहीं उलांघना चाहिए, और यहाँ तक कि जो झांकियाँ लगी हुई होती है उन झांकियों को देखने भी नहीं जाना चाहिए, और अशुद्ध अवस्था में बाल खुले करके घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और विशेष तौर से नवरात्रि में तो यदि कोई स्त्री अशुद्ध हो जाती है तो उसे अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। पारिवारिक जीवन यानी कि हो सकता है बच्चे पैदा ना हो, और बच्चे हो गए तो बच्चे मरने की संभावना होती है, पागलपन की अवस्था होने की संभावना होती है, और कई बार तो देखा गया है कि तलाक की नौबत तगात आ जाती है, क्योंकि ये भयंकर श्राप होता है कि अशुद्ध अवस्था रहते हुए यदि कोई स्त्री हवन पे बैठ जाती है तो उसके घर के अंदर भी आग लग जाती है। यानी बर्बादी तो होना ही होना है। तो मेरा आप सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि अशुद्धता होने की संभावना है या संभावना नहीं है परंतु फिर भी अशुद्धता हो जाती है, क्योंकि जब आप ऐसी यात्रा करते हैं नवरात्रि में तो पुलियों को भी उलांघते हैं, नदी को भी उलांघते हो, ब्रिज को उलांघते हो, कहीं शमशान को क्रॉस करते हैं और कहीं तिराहे चौराहे को भी उलांघना पड़ता है, उनके पे पीपल के वृक्ष नीचे से निकलना पड़ता है, उदुम्बर के पेड़ के नीचे से निकलना पड़ता है, और कहीं पर जहाँ पर एक्सीडेंट अधिकतर होते रहते हैं उस स्थान से भी
होकर के गुजरना पड़ता है, तो ऐसी सब जगह अदृश्य आत्माएं निवास करती है, अकाल मौत वाली आत्माएं निवास करती है, और ये आत्माएं अशुद्ध स्त्री को देख करके भोग विलास के लिए उसके साथ चिपक जाती है, और विशेष तौर से कुंवारी लड़की के ऊपर तो विशेष तौर से चिपकती है, क्योंकि उसके साथ वह रह करके रात को गलत हरकत करती है। और फिर आप कहोगे कि साहब किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, हमें शंका है हमारे परिवार का ही कोई सदस्य, आप तो नाम बता दो, हम किसी के सामने खुलासा नहीं करेंगे पर हम सजग रहेंगे। अरे गलती तो तुम्हारी खुद की है और दोष दूसरे को देते हो, तांत्रिक लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, अपने भाई बंधु के ऊपर इल्जाम लगाते हो, अपने भाभियों देवरानी ननद के ऊपर इल्जाम लगाते हो। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, मासिक धर्म के नियमों का पालन करो, और अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना है, और यदि बाहर हो गए अशुद्ध तो जितनी जल्दी हो सके घर वापस लौट जाएं, और अपनी सुरक्षा के लिए नींबू हमेशा साथ में रखना चाहिए, पीली सरसों लौंग साथ में रखना चाहिए, एक रक्षा कवच हमेशा साथ में रखना चाहिए। रक्षा कवच का मतलब एक तावीज़ होता है, चाहे वो हनुमान जी का तावीज़ हो, चाहे वो काली माँ का हो, चाहे वो दुर्गा माता रानी का हो, चाहे भैरव जी का हो, रक्षा कवच हमेशा गले में धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि न जाने कब कौन से समय पे स्त्री अशुद्ध हो जाए उसे भी मालूम नहीं होता है। तो अशुद्ध अवस्था में पूजन अर्चन नहीं करते हैं, अशुद्ध अवस्था में जहाँ हवन हो रहा हो वहाँ नहीं जाते हैं, अशुद्ध अवस्था में मंदिर की दहलीज के क्रास नहीं करते हैं, अशुद्ध अवस्था में दीपक नहीं लगाते हैं, अशुद्ध अवस्था में गाय को रोटी नहीं देते हैं, अशुद्ध अवस्था में किसी साधु संत त्यागी तपस्वी को दान नहीं दिया जाता है, अशुद्ध अवस्था में भोजन तैयार नहीं किया जाता है, अशुद्ध अवस्था में रसोई घर में नहीं जाया जाता है, और अशुद्ध अवस्था में गादी बिस्तर पर भी नहीं सोया जाता है, और अशुद्ध अवस्था में झांकी देखने भी नहीं जाना चाहिए। और सबसे विकट स्थिति तब बनती है कि जब आप अशुद्ध रहते हुए दूसरे अन्य जो तीर्थ यात्री जिनकी भावना होती है, हो सकता है उनके साथ भी उनके कुल देवी देवता साथ में चलते होंगे, यदि आप उस व्यक्ति के साथ भी टकरा जाते हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो कुल देवी देवता भी आपको श्राप देते हैं, और कई बार तो सजा दे देते हैं, और चिपक जाते हैं, और मानसिक स्थिति खराब कर देते हैं, सोचने की शक्ति खराब कर देते हैं, आपको बर्बाद कर देंगे, आपको चरित्रहीन बना देंगे, आपके मन मस्तिष्क को कुरेद कुरेद करके खोखला कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रात को क्यों उठ जाती हूँ, पहले तो नींद अच्छी आती थी, अब नींद आना बंद हो गई है, मुझे नींद की गोलियाँ खाना पड़ती है। तो ये सच्ची घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, आज की ही घटना है कि किसी मंदिर के अंदर अशुद्ध स्त्री रास्ते में पीरियड से होने पर, अस्वच्छ होने पर मंदिर की दहलीज को चली गई, दर्शन करके जब वापिस आई तो वो पागल हो गई थी। अप्रायश्चित कर्म, जो मैंने कहा है कि प्रायश्चित कर्म के लिए 5 रुद्र अभिषेक कराना पड़ते हैं, तंत्रात्मक उतारा करना पड़ता है, जिस शक्ति के मंदिर में आप गए थे उस शक्ति का हवन करना पड़ता है, और किसी योग्य उचित गुनिया भोपा भगत ओझा इनसे मिलकर के उन शक्तियों को अलग करना होता है, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। विवाह हो गया तो विवाह टूट सकता है, मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, विरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, और मासिक धर्म रहते हुए, अशुद्ध अवस्था रहते हुए, एमसी पीरियड रहते हुए, ब्लीडिंग चलते हुए, घर के अंदर के बर्तन भी साफ नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, और कपड़े और बिस्तरों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। नहीं मानोगे
तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, क्योंकि जो मैं देखता हूँ वही आपके सामने बोलता हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ, जो रिसर्च निकलता है वही फाइंडिंग्स आपके सामने रखता हूँ। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए, और नवरात्रि में भी स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए। योनि मात्र शरीर आय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याय ताम सदा, काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको समय समय पर बहुत सारी समस्याओं से दूर करने के लिए जगाता रहता है। जागना या नहीं जागना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपना धर्म निभा देता हूँ, अब इस धर्म का पालन करना या नहीं करना आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके भाग्य पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।